मुख्यमंत्री आतिशी जी, यह जो सड़क है ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये बात अरविंद केजरीवाल सड़क पर मुख्यमंत्री आतिशी से बातचीत के दौरान बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल अभी महज विधायक हैं, ऐसे में सीएम से कामकाज की बात कर रहे हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल अब एक्शन मोड में आ गए। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद अरविंद केजरीवाल लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, दिल्ली वालों की चिंता कर रहे हैं। ऐसे में इस वीडियो को देखने के बाद दिल्ली वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये कब तक बन जाएगा, शुरू कब तक हो जाएगा? क्योंकि सड़क से उन्होंने दिल्ली वालों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि सीएम नहीं रहने के बावजूद भी वह जनता की आवाज उठा रहे हैं, अपने देख रेख में काम काज करा रहे हैं, ऐसा उन्होंने संदेश दिया है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर दिल्ली में काम न करने देने का बड़ा आरोप भी लगाया है। इसके बाद दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी पलटवार किया है, क्या कुछ कहा है आगे आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। दिल्ली विधानसभा में आज बदला बदला सा नजारा देखने को मिला। पहली बार अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर सदन के अंदर दाखिल हुए। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहले सत्र था सदन में आज अरविंद केजरीवाल के निशाने पर डायरेक्ट पीएम मोदी और उनकी सरकार थी। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को बहुत शक्तिशाली बताया और पीएम मोदी पर अटैक किया। आगे आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी लोग मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। दिल्ली में काम को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ सड़कों का निरीक्षण किया। दिल्ली की सीएम आतिशी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सड़कों की स्थिति का जायजा लेने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस पहुंचे। इस दौरान केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा किया है। केजरीवाल कहते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मिला और मैंने उनसे पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके क्या फायदा हुआ। इसका जवाब देते हुए केजरीवाल कहते हैं कि इससे दिल्ली में चल रहे काम पटरी से उतर गई। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल कहते हैं, मुझे गिरफ्तार करने का मकसद ही दिल्ली की जनता के कामों को रोकना था, लेकिन मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूं कि मैं अब बाहर आ गया हूं। आपके सभी रुके हुए काम तेजी से पूरे कराए जाएंगे। इसके बाद भाजपा का रिएक्शन सामने आया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष महोदय वीरेंद्र सचदेवा कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल बातों के बाजीगर हैं, अगर ये राजनीति में नहीं आए हुए होते तो किसी टीवी सीरियल या कॉमेडी सर्कस में चले जाते। वीरेंद्र सचदेवा आगे कहते हैं कि जब दिल्ली वाले प्यासे मर रहे थे तब दिल्ली वालों की चिंता नहीं थी, जल जमाव से लोग मर रहे थे तब दिल्ली वालों की चिंता नहीं थी, अब नाटक कर रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा को पूरा सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल बातों के बाजीगर हैं और इनको सुनने के बाद लगता है कि ये राजनीति में नहीं आए होते तो किसी टीवी सीरियल में भी चल जाते हैं।
अरविंद केजरीवाल आपको जेल या आपके नेताओं को जेल माननीय न्यायालय ने डाला है। जेल आप अपने कर्मों की वजह से गए हैं, अपनी चोरी अपनी कमीशन खोरी की वजह से गए हैं। आज आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, ईमानदारी की बात कर रहे हैं। उस दिन वो नैतिकता और ईमानदारी कहां गई थी जब आप जेल गए थे? क्यों इस्तीफा नहीं दिया था? जेल जाकर भी अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से आने के बाद इस्तीफा देने की, मैं तो कुर्सी को लात मारता हूं। आप कुर्सी को लात नहीं मार रहे थे, आप सुप्रीम कोर्ट की जो पाबंदियां थी, जो बंदिशें थी, उससे बाध्य होकर आपने इस्तीफा दिया है। और हम ये भी जानते हैं कि आप देने को तैयार नहीं थे, आपसे लिया गया है। और विधानसभा के पटल पर इस तरह से झूठ आप जैसे ही कोई आदमी बोल सकता है जिसको संवैधानिक मर्यादाओं का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो? जेल में रहते हुए अपनी सुविधाएं, कूलर चाहिए, घर का खाना चाहिए, उसके लिए तो रोज चिट्ठी, रोज आपके वकील कोर्ट में जाते थे। उस समय आपको दिल्ली की चिंता नहीं है कि दिल्ली के लोग डूब के मर रहे थे जल भराव में? एक मुंह से आवाज नहीं निकली तुम्हारे, एक मुंह से। पानी के लोग आपस में लड़ रहे थे पानी के लिए, उस समय दिल्ली की चिंता नहीं थी आपको? मुझे तो दिल्ली की चिंता है। ये 5 महीने में काम बंद नहीं हुए हैं, ये 10 साल का तुम्हारा नाकारा प्रशासन है जिसका खामियाजा आज दिल्ली भुगत रही है। दिल्ली को 7 नए स्कूल आपने 10 सालों में नहीं दिए। आज आप विधानसभा में कह रहे हो मैं 700 स्कूल बनाने वाला था, इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। आप कह रहे हो कि 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने, 300 मोहल्ला क्लिनिक भी वर्किंग नहीं आज की तारीख में पिछले 10 सालों में, और उनका जो हालत है वो आप देख रहे हैं कि उसमें भी घोटाला किया तुमने, फर्जी टेस्टों के नाम पे पैसे खाए हैं। मतलब हर बात पे झूठ बोलना। आप बात कर रहे हो कि बस मार्शल हटा दिए, राइटिंग में ऑर्डर है आपके, पैरा नंबर 2 उसका लास्ट पैरा जिसमें आपने लिखा है कि मैं इनको हटाने की अनुशंसा करता हूं। बस मार्शल की आवाज हमने उठाई, हमारे सांसदों ने उठाई, आपने उनकी कोई लीगल प्रोविजन उनके लिए नहीं रखा था, उनको लगाने से पहले कोई कानूनी प्रावधान नहीं था, इसलिए आपको लिख के उनके हटाना पड़ा। आज आपको बस मार्शल की चिंता आ रही है, बस मार्शल तो हटाए आपने गलत, 10,000 से ज्यादा लोगों की रोजगारी पे आपने लात मारी थी। आप बस मार्शल की बात करें, कहां गए वो गेस्ट टीचर 16,000 जिनको आप नियमित करने की घोषणा करके आए थे? 10 साल में आप उनको नियमित नहीं कर पाए, सिर्फ झूठ, कोरा झूठ, ये आपका चरित्र अरविंद केजरीवाल। और जिन पेड़ों को काटने की बात करें, जरा अपने राजमहल शीश महल में झांक के देख लो ना, उन्हीं पेड़ों का जिक्र कर रहे हो ना जिन्हें काटकर आपने अपना बंगला खड़ा किया है। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आज नजारा बदला बदला था। पहली बार आज अरविंद केजरीवाल एक सीएम के तौर पर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर सदन के अंदर दाखिल हुए। आतिशी के सीएम बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का यह पहला सत्र था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में पीएम मोदी पर अटैक करते हुए कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत शक्तिशाली हैं और उनके पास बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन मोदी भगवान नहीं हैं, भगवान वही हैं जो हमारे साथ हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं। केजरीवाल ने आगे कहा कि आज मैं सीएम के साथ सड़क निरीक्षण के लिए गया था। दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कें जेल जाने से पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी। आगे जो है वो अभी तक डाला नहीं, और वो कब पूरा होगा? 2025 का कंप्लीशन। अच्छा, ये ट्रंक सीवर का 2025 नहीं है, ये बड़ी पानी की पाइपलाइन है। अच्छा, ये पानी की पाइपलाइन है, जापान गवर्नमेंट के फंड से है। ये सर, ये जो चंद्रावल वाला है ना, अच्छा, चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जो नया बन रहा है, जो पैकेजेस है उसका बेसिकली ये वो वाली वाटर की पाइपलाइन है। 25 है वो तो उसका है, लेकिन पाइपलाइन का भी 25 है सर। एक्चुअली में पार्ट पार्ट में डलती जाएगी, जैसे अभी यहाँ तक डल गई, फिर आगे डल रही है, और इसकी रोड की रिपेयर, ये फिर पूरा डल चुका है, तो आप रोड डल सकती है, पेमेंट पहले आ गया था। और फिर ये ज्यादा यूज में आती है। और ये कब तक बन जाएगा, शुरू कब तक हो जाए? इससे हो जाए, नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। मतलब टेंडर का टेक्निकल बिल और ये होगा केवल इतना ही, या पूरी सड़क बनेगी? इतना ही, ये वाली लेन इतना ही होगा, ये वाली लेन। क्योंकि इसमें मर्ज कर देंगे पैच को, ताकि इसमें लगे ना कि इसको थोड़ा खोद के करेंगे ताकि बराबर हो। 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था,
उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, तो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डीरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शॉक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था, क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डीरेल करना था, क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए। मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें, जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे, जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग DU में खड़े हैं और DU की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है, ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो CM है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। इस तरह अरविंद केजरीवाल अब जनता की आवाज़ बनकर सदन से सड़क तक काम की बात कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या करेगी, यह देखना दिलचस्प रहेगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।